आला रे आला सिंघम आला। जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों कि अजय देवगन साहब ने एक ऐसा ट्रेंड शुरू किया, मतलब कि पुलिस इंस्पेक्टर को इस बहादुरी के साथ दिखाना, जिसने कि बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ कमाई कर दी। रोहित शेट्टी जो कि अक्सर अपनी फिल्मों में गाड़ियों को उड़ाते हैं, इस बार उन्होंने स्क्रिप्ट में बदलाव करके, हालांकि साउथ की ही फिल्म थी, लेकिन यहां पर उन्होंने जो है एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया जो कि सचमुच में देखने लायक था। सिंघम आती है, फिर उसके बाद सिंघम की सेकंड पार्ट आती है, फिर अब दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि सिंघम अगेन आ रही है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल टेली खजाना, मैं राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा नया चैनल राहुल भोज कॉमेडी भी है, कमेंट सेक्शन में लिंक पेस्ट कर दिया है यारो, जाओ एक बार जाके वहाँ पे ढेर सारा प्यार बरसा दो। तो जैसा कि हम सबको पता है कि रोहित शेट्टी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पास्ट की फिल्म सर्कस को लोगों ने पूरी तरीके से नकार दिया और बोल दिया कि भैया ये क्या बनाया था, बवासीर। अब आप लोगों को बता दूँ तो एक बहुत ही फ्यूरियस लुक आया है दीपिका पादुकोण का, जो कि सिंघम से है, सिंघम अगेन से है, और ये बन गई हैं लेडी सिंघम। दीपिका पादुकोण की अगर बात करें दोस्तों, तो दीपिका पादुकोण का ये जो लुक है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और प्लस सिम्भा का कनेक्शन लग रहा है इसमें, पता नहीं क्यों। ये लेडी सिंघम नहीं बल्कि ये जो लड़की लग रही है ये मुझे लेडी सिम्भा लग रही है, क्योंकि सिम्भा में जो एनर्जी है या सिम्भा में जो पागलपन है जो कि रणवीर सिंह कैरेक्टर निभाते हैं, ये वैसा ही लग रहा है। और अगर आप दीपिका पादुकोण को ध्यान से देखेंगे, शी इज लुकिंग डैम गुड इन दिस। पुलिस ऑफिसर की भूमिका में है दीपिका पादुकोण, और यहाँ पर वो एक अपराधी के जो है माउथ में अपनी बंदूक डाले हुए हैं, और साथ ही साथ बहुत ही एकदम ख़तरनाक तरीके से एकदम स्माइल पास कर रही हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि ये फिल्म कितनी ज़्यादा हिट जाती है। वैसे आपको बता दूँ तो सिंघम फ्रेंचाइज जो है वो एक कॉप यूनिवर्स का हिस्सा है। रोहित शेट्टी ने सपना देखा कि मैं सिंघम बनाऊँगा, सिम्भा बनाऊँगा, सूर्यवंशी बना दूँगा, और अब वो लेडी सिंघम को भी लेकर आ रहे हैं। तो भाई ये जो एक कॉप यूनिवर्स है, जो कि हमारे भारतवर्ष का पहला मार्वल के तर्ज पर एक यूनिवर्स है, स्पाई यूनिवर्स तो बाद में बना है दोस्तों, लेकिन कॉप यूनिवर्स पहले ही बन के तैयार हो गया है, जिसमें सिंघम हिट गई, सिम्भा हिट गई, सिंघम रिटर्न्स हिट गई, साथ ही साथ सूर्यवंशी हिट गई। सो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, दीपिका पादुकोण के टैलेंट को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे क्या ये आपको अप्रोप्रिएट कास्ट लग रही है दीपिका पादुकोण की या नहीं, इस बारे में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, और अगर नहीं लग रही है तो इनके बदले कौन हो सकता था यहाँ पे, ये ज़रूर बताइएगा, और अगर लग रही है तो वेल एंड गुड, आप अपना रीज़न ज़रूर बताइएगा, लेकिन दीपिका बड़ी फेयर्स लग रही है, मज़ा ही आ गया देख के। सो कमेंट सेक्शन में जाएं बताएं, चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।